आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज से प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे दोस्तों हम लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन करेंगे YouTube पे, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देख के साथ साथ है ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करेंगे जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री की आपकी 2 क्लास अब दोस्तों होगी। पहली क्लास जो वर्तमान समय में आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और जो दूसरी क्लास होगी दोस्तों वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के एप्लीकेशन पे होगी। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ना जितना जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है उतना ही जरूरी दोस्तों प्रैक्टिस करना भी होता है। तो दोनों दोस्तों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो ये दोनों क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। कल से पहली क्लास आपकी वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रखी जाएगी वो 2000 रुपये रखी जाएगी दोस्तों, और साथ ही साथ वहाँ पे इकोनॉमिक्स के आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अगर जो आप TGT PGT LT ग्रेड झारखंड से हैं, उत्तराखंड से हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या DSSSB की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही कारगर होने वाला है, ठीक है। तो एडमिशन लेने के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों हम लोग अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। तो आज के इस सेशन का दोस्तों पहला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि ये बताइए कि गंगा एवं यमुना नदी का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि गंगा और यमुना का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पे मिलता है। और तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, बिल्कुल ठीक है। जानवी जी, राकेश गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है। सोनी शर्मा जी, विक्रम सिंह पटेल जी, आदिति जी, रमेश जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, ललिता साकी जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, गंगा एवं यमुना नदी का ना सर्वप्रथम उल्लेख हमें जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। और अगर जो आपसे ये पूछेगी, ये बताइए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलता है वो सरस्वती नदी का मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों गंगा और यमुना का भी क्या होता है, उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि जो आर्य आए थे ना, वो आर्य इसी के आसपास क्या करते थे, निवास करते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। वेद कितने, हमारे 4 वेद हैं, जैसा कि आपको पता है। सबसे प्राचीन वेद कौन है, उसमें ऋग्वेद है, ठीक है। वेदों के रचयिता कौन है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वेदों के रचयिता कौन है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा भाई कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। सतलज नदी जो है इसका प्राचीन नाम क्या है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। सेशन को लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, और दोस्तों मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए, आपको कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। आपके एग्जाम के आते आते हम लोग इतना तैयारी करेंगे, एप्लीकेशन पे इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए, तो बताइए भाई कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों सतलज नदी को सतुद्री नदी के नाम से बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है ना दोस्तों, उसमें सतलज नदी को सतुद्री के नाम से इंगित किया गया है। और ऋग्वेद में दोस्तों टोटल नदियों की जो संख्या है ना, वो 21 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, सरस्वती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति के थे, ठीक है। अब ये बात तो भाई सबको पता होगी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, लेकिन ये पूछ दिया कि वो किस जाति से बिलोंग करते थे। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। आदिति जी, विक्रम जी, निक्की जी, बिल्कुल ठीक है। उदय सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। चंद्र प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। निखात जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बृष्टि शर्मा जी, आदिति जी, बिल्कुल ठीक है। राकेश गुप्ता जी, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर है भाई, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जाति से जुड़े हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा। और थोड़ा सा दोस्तों सेशन को जरूर शेयर
किया करिए। ठीक है, निवेदन है आप सभी लोग को कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ए होगा ना। तो जितने लोग भी किसी का भी अभी उत्तर या नहीं ए आ रहा है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ना दोस्तों, तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और ये जो जिस जनजाति से बिलोंग करते थे वो जैंत्रिक जनजाति थी दोस्तों। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था भैया? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा थोड़ा सा, ठीक है, अभी कथन दे दिया गया है और कारण दे दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों सेशन नया है तो थोड़ा सा शेयर करना तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। बस आप इत्मीनान से पढ़िए, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, बस आप पढ़ते रहिए, सब कुछ यहाँ पे कवर होने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। चलिए बताइए, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, कथन में ये दे दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद है, मतलब क्या है, संदेह के घेरे में माना जाता है। और कारण दे दिया गया है कि पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा एवं मौर्यों का उल्लेख करते हैं। चलिए भाई, अच्छा सा प्रश्न है, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना, तो देखिए, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखिए कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का जो अस्तित्व है ये संदेहास्पद है, इसको माना ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये बात तो भाई बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की व्याख्या आर कर रहा है। ठीक है, बात दोनों एक ही है दोस्तों। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, ये अक्सर आपके टीजीटी पीजीटी और एलटी में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, हाथी गुम्फा की बात हो रही है भाई, बताइए। चलिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, बताइए। हाथी गुम्फा की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। हाथी गुम्फा कलिंगराज, ठीक है, याद आने चाहिए। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? इजी सी बात है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है ये कलिंगराज खारवेल से संबंधित है। ठीक है, और यह जो दोस्तों अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया, इस बात को भी याद रखिएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो कलिंगराज खारवेल से संबंधित है और ये प्राकृत भाषा में दोस्तों लिखा गया है। और ये जो कलिंग दे जो खारवेल थे ये जैन धर्म के मतानुयायी थे, मतलब ये किसको मानने वाले थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि प्राचीन काल में अरिका मेंडू क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन काल में ये बता दीजिए कि अरिका मेंडू से क्या तात्पर्य है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चंदन प्रकाश जी, आदित्य जी, निक्की जी, बिल्कुल ठीक है, विक्रम सिंह पटेल जी, बिल्कुल ठीक है, रमेश गुप्ता जी, सोनी जी, बिल्कुल ठीक है, निखाहत जहान जी, बिल्कुल ठीक है, उदय सिंह जी, बृष्टि शर्मा जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर अगेन क्या आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि तमिलनाडु के बंदरगाह हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे एक पुरातत्ववेदा हुए जिनका नाम था व्हीलर, उन्होंने क्या किया था दोस्तों कि 1940 में इन्होंने यहाँ पे खुदाई कराई थी और इनका ये मानना था कि ये जो चोल साम्राज्य था ना, उसी चोल साम्राज्य का ये बंदरगाह था, यानी तमिलनाडु में क्या था दोस्तों, ये बंदरगाह था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जितने लोग भी कर रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत किस अन्य नाम से जाना जाता है। चलिए भैया, चार्वाक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, चार्वाक की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्राचीन भारत का दर्शन शास्त्र का चार्वाक मत किस अन्य नाम से संबंधित है दोस्तों। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं लोकायत, बिल्कुल ठीक है। ये भाई ये पूछ रहा है किस अन्य नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान से देखिए, गलतियां हो रही हैं, ठीक है, किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे लोकायत के नाम से दोस्तों जाना जाता है। और इसी में दोस्तों चार्वाक ने क्या किया था कि इस मत को खारिज कर दिया था, किस मत को, मोक्ष और पुनर्जन्म की अवधारणा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट करके बताइए कि सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। विश्वास मानिए, बस आप हमारे साथ बने रहिए, एक दो महीने में ना आपको लगेगा कि आपने मास्टरी हासिल कर ली इतिहास में। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई कि प्रख्यात संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का श्रेय किसको दिया जाता है। चलिए अब अष्टाध्यायी में देखिए, समस्या ये होती है कि यहाँ पे क्या है ना कि वेद व्यास तो कोई नहीं करेगा, कालिदास भी कोई नहीं करेगा, लेकिन अष्टाध्यायी बहुत बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम लोग पतंजलि की तरफ या पाणिनी की तरफ चले जाते हैं। चलिए भैया बताइए इस प्रश्न का उत्तर, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये अष्टाध्यायी जो है, ये अष्टाध्यायी किसने लिखा, ये पाणिनि ने लिखा, और यह दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया, इस बात को भी याद रखिएगा कि पाणिनि जो है, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया, और किस भाषा में उन्होंने लिखा था, संस्कृत की भाषा में लिखा था। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाराहमिहिर के विषय में असत्य है। चलिए भाई, वाराहमिहिर साहब के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गड़बड़ है, आपको बेसिकली बताना है, ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दिया करिए और थोड़ा शेयर भी जरूर कर दिया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से कि सेशन को लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर करिए। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन वाराहमिहिर के विषय में असत्य है, वाराहमिहिर के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो गया, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई गलत करेगा। डी की तरफ आप लोग जा रहे हैं, डी की तरफ क्यों जा रहे हैं भैया, डी की तरफ क्यों जा रहे हैं। दशमलव की खोज किसने किया था, दशमलव की खोज किसने किया था, दशमलव की खोज आर्यभट्ट ने किया था ना, तो फिर उसमें वाराहमिहिर कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो दशमलव की जो खोज किया था वो आर्यभट्ट साहब ने किया था, ना कि दोस्तों वाराहमिहिर ने, तो ऑप्शन नंबर बी होगा ना, तो बी करना चाहिए ना। देखिए बस एक उदय सिंह जी ने बी बोला है, आदित्य जी ने बी बोला है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पे की। अब ये बात तो भाई सबको पता रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या बैठा, गद्दी पे बैठा, कब बैठा, वो अपने चाचा की हत्या कर दिया, ठीक है। चाचा का नाम क्या था, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, लेकिन कहाँ पे किया भैया, कहाँ पे किया इस बात को बताइए, ठीक है, कहाँ पे किया इस बात को बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है, आराम से, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी की तरफ जा रहे हैं, कड़ा, सूरत, बयाना, मुल्तान, क्या होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये किया था दोस्तों 1296 में, कड़ा, कड़ा में किया था, कड़ा मनिकापुर में किया था, ठीक है, कड़ा मनिकापुर में किया था, कभी कभी मनिकापुर भी दे देता है। तो याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, कड़ा मनिकापुर में, कब किया था, 1296 में किया था, ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित कर दी? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पे परिवर्तित कर दी, बेसिकली आपको ये बताना है। चले, दिल्ली सल्तनत में बेसिकली आप दोस्तों देखेंगे दो चार क्या बोलते हैं कि शासक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, उनके बारे में सब हम लोग देखेंगे, बट अभी बताइए कि ये बताइए कि मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ पे परिवर्तित की, बताइए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 1327 में अपनी दिल्ली क्या किया, अपनी दिल्ली सॉरी अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली से परिवर्तित करके देवनागरी, अर्थात जिसे दोस्तों दौलताबाद भी बोलते हैं, में किया था। तो जितने लोग भी क्या बोलते हैं, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखिए, दिल्ली टू दौलताबाद बहुत बार आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे देवनागरी दे दिया, तो इस बात को आपको जानना चाहिए कि देवनागरी और दौलताबाद मतलब बात एक ही हो रही है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ये पहले देवनागरी था, बात को ध्यान से समझिए, ये पहले देवनागरी था, लेकिन बाद में जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, इसी देवनागरी का नाम बदल करके दौलताबाद रख दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि भाई हमें ये बता दीजिए आप कि दिल्ली सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। चलिए भाई, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन शासक है। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था बताइए, ये बहुत ही पढ़ा लिखा था। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तो एक एक करके पढ़ेंगे, मजा आएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। चलिए भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या किया था, ऑप्शन नंबर, देखिए एक बात आपको यहाँ पे भाई समझ में आ जानी चाहिए कि जो ये इल्तुतमिश है ना, इसने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से बदल करके दिल्ली मिला दिया था। ठीक है, तो ये कथन तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसने अपनी जो राजधानी है वो लाहौर से बदल करके क्या कहाँ पे ला दिया था, ये ला दिया था दिल्ली। और जब आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, ठीक है, 1206, ठीक है, तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि इन्होंने सबसे पहले अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ पे बनाई थी, लाहौर में बनाई थी। लेकिन इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने क्या किया कि लाहौर से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया कहाँ, दिल्ली में। और उसने हौज का निर्माण कराया, नहीं भैया, उसने हौज का भी निर्माण नहीं कराया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि ना ही एक और ना ही दो, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली दोस्तों ठीक है, ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम, बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा कि दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन होता था, मुकद्दम कौन होता था भैया, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए दोस्तों सेशन को, और थोड़ा शेयर भी जरूर किया करिए, निवेदन है आप सभी लोगों से कि सेशन को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये होगा ना, ये गांव का मुखिया होता था। तो दिल्ली सल्तनत में जो होता था दोस्तों वो मुकद्दम मतलब क्या होता था, ये होता था दोस्तों गांव के मुखिया को कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर है एब्सोल्युटली ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, ये बताइए, छोटी सी बात है कि पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था, ये अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और ये अक्सर फंसाता है लोगों को। ठीक है, कि पतंजलि ने योग सूत्र का अरबी भाषा में पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल
ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बी होगा, बी होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 11वीं शताब्दी में ना पतंजलि का जो योग सूत्र था, इसका अरबी भाषा में जो अनुवाद किया था ना, वो अल बरूनी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? अल बरूनी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। और आपको पता ही है कि 11वीं 12वीं शताब्दी जो है वो किसका है? अल बरूनी का है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ से यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अल बरूनी कहाँ से आया था, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कि अल बरूनी जो है वो किस देश से भारत में आया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई, कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब तैमूर का आक्रमण हुआ था तो उस टाइम दिल्ली का सुल्तान कौन था। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। देखिए दोस्तों, ये जो युद्ध था, ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ही भयंकर था, बहुत ही प्रचंड था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के सॉरी नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जितने लोग भी कर रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और ये कब से कब तक शासक रहा भैया? 1394 से लेकर के 1412 तक ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है, ये 1394 से लेकर के 1412 तक ये दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों बैठा था। ठीक है, और ये तैमूर कौन था? ये मंगोल का सेना नायक था। मंगोलों का क्या था? ये सेना नायक था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी की तरफ जा रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे, कि आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? भैया अब बताइए कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये तो अच्छी बात हो गई ना, प्यारी सी बात है कि मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? देखिए दोस्तों, जितने लोग भी इतिहास वाले यहाँ पे हैं, आप विश्वास मानिए कि आप हमारे साथ 2 महीने 3 महीने बने रहिए, सब कुछ आपको रट जाएगा। बेसिकली आप एप्लीकेशन पे कॉन्सेप्ट पढ़िए और यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, कुछ भी दोस्तों छूटेगा नहीं, आराम आराम से करिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन पे एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? भैया बहुत सारे लोग डी की तरफ जा रहे हैं और औरंगजेब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग औरंगजेब की तरफ जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा शाहजहां। मोती मस्जिद का जो निर्माण क्या करवाया था वो किसके द्वारा करवाया गया था? वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर, और ये कहाँ पे करवाया गया था? जो आगरा का किला है ना, यहीं पे मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और जो शाहजहां का दोस्तों काल है, वो स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, कि ये बताइए कि जो प्रसिद्ध चित्रकार था, जो मंसूर था, वो किस शासक का दरबारी था? अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो मंसूर था ना, वो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं आप लोग, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो वो था जहांगीर का। और ये बेसिकली दोस्तों पक्षियों का चित्र बनाता था। ठीक है, किसके चित्र बनाता था? पक्षियों का चित्र बनाने में इसे क्या थी? निपुणता हासिल थी दोस्तों, और इसीलिए इसे नादिर उल असर की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? नादिर उल असर की उपाधि दी गई। किसको? मंसूर को। और ये किसके शासनकाल में था? जहांगीर के शासनकाल में था। ठीक है, ठीक है। और ये किसकी किसका चित्र बनाता था? ये पंछियों का चित्र बनाता था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मनसबदारी व्यवस्था में
मनसब का निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य। अब ये बात तो भैया सबको पता होगी कि अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी प्रथा चलाई थी, लेकिन अब बताइए कि मनसब जो है इसका क्या तात्पर्य है। अच्छा सा प्रश्न, बताइए मनसब का क्या तात्पर्य। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ये जो होता था वो क्या होता था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा में जो मनसब है यह क्या हुआ करता था, एक पद हुआ करता था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। मोस्ट कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये प्रश्न है, बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है दोस्तों कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई। ठीक है, बेसिकली लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं कि क्या काबुल। ठीक है, तो भैया काबुल में इसका क्या था, मकबरा था। ठीक है, बाबर का मकबरा कहाँ रहा, काबुल में है, लेकिन इसकी मृत्यु काबुल में नहीं हुई, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए जो बाबर हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी ये आगरा में हुआ था, लेकिन इनको दोस्तों इनका मकबरा कहाँ पे है, ये है दोस्तों काबुल में। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ, दफनाया गया था काबुल में, मृत्यु हुई थी इनकी आगरा में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित मुगल शासकों में बीड़ा बजाने का शौकीन कौन था। देखिए बीड़ा बजाने का शौकीन कौन था, मुगल शासकों की अगर जो बात करें तो कौन ऐसा था जो बीड़ा बजाता था। चलिए थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दिया करिए दोस्तों, और शेयर आवश्यक रूप से कर दीजिए। ठीक है, लाइक और सेशन शेयर को जरूर किया करिए, और ये बताइए मुझे कि ये बताइए कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी किसकी बात कर रहे हैं, औरंगजेब की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों 100% ठीक है। बीड़ा बजाने का जो शौकीन था वो औरंगजेब था, लेकिन औरंगजेब ने ना अपने राज्य में संगीत पे प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, खुद तो बीड़ा बजाता था, लेकिन फिर क्या किया कि संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया अपने राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बता दीजिए मुझे, एक बात और याद आनी चाहिए आपको, किससे संबंधित। ठीक है, समुद्रगुप्त से संबंधित, समुद्रगुप्त के भी जो सिक्के मिले हैं उसपे बीड़ा बजाने का अंकन मिलता है। ठीक है, तो इससे ये भी प्रसिद्ध होता है कि वो भी क्या था, बीड़ा बजाने का शौकीन था। ठीक है, यहाँ पे मुगल काल की बात हो रही है इसलिए औरंगजेब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये बताइए कि निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया। ठीक है, कि आपको तंबाकू नहीं खाना है। ठीक है, किसने कर दिया भाई, बहुत अच्छी सी बात है, तंबाकू नहीं खाना है तो अच्छी बात है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसने तंबाकू का सेवन निषिद्ध कर दिया। और ये बात आपको तो पता होगी ना दोस्तों कि जो तंबाकू था ना वो किसके द्वारा लाया गया, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। कहाँ पे, हमारे देश में। तंबाकू हमारे देश में नहीं था तो, लेकिन पुर्तगालियों ने क्या किया कि हमारे देश में तंबाकू लाया। ठीक है, तो किसने कह दिया कि नहीं भैया कोई तंबाकू इस्तेमाल नहीं करेगा। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जहांगीर की बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि जहांगीर के काल में दोस्तों तंबाकू सेवन को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों देखिए क्यों प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये क्या है ना कि जहांगीर के समय में ही तंबाकू की खेती करना आरंभ कर दिया गया। तो जब जहांगीर ने इसके दुष्प्रभाव को देखा
तो ऐसी स्थिति में क्या कर दिया कि उस पे बैन लगा दिया। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, दो तीन बातों को, कि तंबाकू भारत में नहीं था दोस्तों, ये पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और उसके बाद जहांगीर के काल में तंबाकू का क्या होने लगा, खेती होने लगा, खेती आरंभ हो गया। लेकिन बाद में चल करके जहांगीर ने क्या कर दिया, इस पे फुल स्टॉप लगा दिया और इस पे कहा कि नहीं भैया, तंबाकू जो है वो पूर्णतः निषेध है, तंबाकू का सेवन ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ कर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया। ऐसे प्रश्न जो है दोस्तों ये डिसाइडर होते हैं, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, डिसाइडर होते हैं। चलिए बताइए, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं, डिसाइडर होते हैं। थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दिया करिए दोस्तों, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, निवेदन है सभी लोगों से कि सेशन को लाइक किया करिए और शेयर कर दिया करिए थोड़ा सा। चलिए भाई बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा। बिल्कुल ठीक है, बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ कर की समाप्ति हेतु याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है, और एक बात मुझे ये भी बता दीजिए कि आप सभी लोग को पता है कि प्रयागराज में अर्थात इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ये कुंभ मेले का आयोजन किस शासक के द्वारा शुरू करवाया गया था। ठीक है, जरूर कमेंट करके बताइए कि जो कुंभ मेले का आयोजन होता है प्रत्येक 12 वर्ष में, ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में, तो यहाँ पे उस कुंभ मेले का शुरुआत कौन कराता है। ठीक है, तो इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, डी बोल रहे हैं, कविंद्राचार्य, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ कर की समाप्ति है तो याचना करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाने वाले बनारस के पंडितों के शिष्टमंडल का निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया था, तो कविंद्राचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि ये बता दीजिए भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। पश्चिमी भारत की बात हो रही है, थोड़ा आराम से देखिएगा। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे जितने लोग भी हर्षवर्धन की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कुंभ मेले के आयोजन की का प्रारंभ जो किया था वो हर्षवर्धन ही किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए ठीक है, तस्नीम खान जी, उदय सिंह जी बिल्कुल ठीक है, सोनी शर्मा जी, मीनू जी, आदिति जी, प्रभु जी बिल्कुल ठीक है, विनम्रता सिंह जी बिल्कुल ठीक है, रविंद्र कुमार जी चलिए बिल्कुल ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर है रवि, बिल्कुल ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुत किसी ने भी डी बोला नहीं अभी तक। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, ये होंगे थॉमस स्टेफेस। ठीक है, थॉमस स्टेफेस होंगे। तो जितने लोग भी डी की बात कर रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो 1979 में गोवा पहुंचने वाला थॉमस स्टेफेन पश्चिमी भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो सुमेलित नहीं है, बताइए भाई कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, क्या उत्तर होगा। ठीक ठीक, कोई बात नहीं, सारे प्रश्न नहीं आते हैं ना, सारे प्रश्न नहीं आने आते हैं। और देखिए अगर जो प्रश्न नहीं आते हैं तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, आएंगे, पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न किसी को नहीं आते हैं, तो क्या उत्तर हो जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी के तरफ नहीं जा रहे हैं वो लोग सभी लोग गलत हैं, और एक दो लोग भी डी के तरफ नहीं जा रहे हैं तो मतलब सभी लोग गलत ही है ना। तो औरंगजेब के समय में एडवन टेरी नहीं आया था दोस्तों। ठीक है, एडवन टेरी जो है ये जहांगीर के टाइम में आया था, कब आया था, 1616 में आया था। ठीक है, तो एडवन टेरी जो है
ये जहांगीर के टाइम में आया था 1616 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारस में अनुवाद किसने किया था। भास्कराचार्य ने क्या लिखा था, लीलावती लिखा था, और लीलावती का फारस में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, चलिए आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी किसकी बात करेंगे, फौजी की बात करेंगे ना, सॉरी फैजी की बात करेंगे ना, तो जितने लोग भी फैजी की बात करेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और ये किसके दरबार में था फैजी भैया, ये अकबर के दरबार में था। इंपॉर्टेंट रखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अकबर के दरबार में था फैजी, और इसी ने दोस्तों भास्कराचार्य की जो कृति थी लीलावती इसका फारस में अनुवाद किया था। और ये जो लीलावती था ना, ये गणित विषय से संबंधित था, ठीक है, गणित से संबंधित था, ठीक है, इस बात को भी समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि किस सूफी ने ये कहा कि भारत क्या है, धरती का स्वर्ग है। देखिए कितनी अच्छी बात कह दी इन्होंने, ठीक है, किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। चलिए भाई बताइए, प्रभु कुमार जी, निक्की जी, अदिति जी, तस्नीम जी, मीनू जी, उदय सिंह जी, सोनी शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है, निकहत जहान जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भैया, इस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गुरु को बता रहे हैं, चेला को बता ही नहीं रहे, गुरु को बता रहे हैं, गुरु ने नहीं किया था, चेले ने किया था, ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो था, ये इसने कहा था कि जो धरती, उसने, अमीर खुसरो ने भारत को कहा था कि भारत जो है वो धरती का स्वर्ग है। और ये अमीर खुसरो किसका शिष्य था, ये निजामुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि संत नामदेव पेशे से एक क्या थे। एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव, वो पेशे से क्या करते थे। अब इसका डायरेक्ट संबंध है कि आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ें, सॉरी हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ें, ठीक है, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए कि संत जो नामदेव थे ये पेशे से क्या थे भैया। चलिए चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दर्जी थे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संत नामदेव पेशे से जो थे वो दर्जी थे दोस्तों, और इन्होंने महाराष्ट्र में एक जो भक्ति आंदोलन चला था उस भक्ति आंदोलन में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की दोस्तों, ठीक है। और ये बरकरी संप्रदाय से ये संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। चिराग ए देहलवी, ठीक है, कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग ए देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों सेशन को लाइक जरूर कर दिया करिए, लाइक जरूर किया करिए, लाइक और शेयर जरूर किया करिए। नया सेशन है इसलिए संख्या थोड़ी कम ही रहेगी कुछ दिनों तक, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे संख्या में भी वृद्धि होगी, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी की तरफ जा रहे हैं, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, शेख नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। तो चिराग ए देहलवी के नाम से लोकप्रिय जो है वो शेख नसरुद्दीन मोहम्मद है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि भाई हमें ये बता दीजिए, छोटी सी बात बता दीजिए, कि वह भक्ति काल का संत जिसके पास विभिन्न जातियों के 12 शिष्य थे, मतलब ऐसा संत था जिसके पास क्या थे, अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे, ठीक है। ये तालमेल बैठाना काफी मुश्किल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो चलिए भाई बताइए मुझे। चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल। तो क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा या बी होगा? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी रामानंद बोल रहे हैं दोस्तों सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। जो रामानंद है दोस्तों इन्होंने ही भक्ति काल को दक्षिण से उत्तर के तरफ पाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को। और रामानंद के पास ही दोस्तों क्या थे? अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी भाई बताइए? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? ठीक है बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर इजी सी बात है, ये छोटी सी बात होगी ना, कि पुष्टि मार्ग के जो स्थापना किया था वो वल्लभाचार्य ने किया था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, कि पुष्टि मार्ग की जो स्थापना किया था वो वल्लभाचार्य के माध्यम से, मतलब वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अब आइए दोस्तों आधुनिक भारत से कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से 1947 ईस्वी के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? चलिए भैया किस कारण से विद्रोह नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह का कौन सा कारण बेसिकली नहीं था? चलिए भाई बताइए। ठीक है दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है कि नहीं? मतलब मजा आना चाहिए आप लोग को, अगर जो मजा नहीं आएगा ना तो फिर अनिच्छाएं उत्पन्न होने लगेंगी सेशन से। तो मेरा यही क्या होता है दोस्तों कि वो रहता है, मेरा यही टारगेट रहता है कि क्या होता रहे कि आप लोग हंसते खेलते हुए सेशन को ज्वाइन करिए। जब भी सेशन को ज्वाइन करिए तो ऐसा मत समझिए कि क्या है कि ये कोई बर्डन है चाहे कुछ है, बस आराम से बैठे रहिए। आपने लाइफ में इतनी सारी पढ़ाई की है और उसी पढ़ाई को यहाँ पे क्या करिए कि इम्प्लीमेंट करिए, कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना आपको पता है कितना नहीं पता है। पता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, पता हो जाएगा, पढ़ेंगे तो पता हो जाएगा, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता होगा, ठीक है। तो बस बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पढ़ा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से 1857 के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि क्या आप लोग बोल रहे हैं, ये बोलेंगे सभी लोग, ये बोलेंगे तो बिल्कुल ठीक बोलेंगे भाई कि यहाँ भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेशों में काम करना था, ठीक है, ये कोई कारण नहीं था, ठीक है। राइफल का आप लोग को पता ही है दोस्तों कि इसमें चर्बी लगे ये कारतूसों का उसमें चर्बी लगा होता था, इस वजह से क्या हुआ, विद्रोह हुआ, ठीक है। और भारत तथा अंग्रेजी सैनिकों में बहुत सारी असमानताएं थी, हमारे सैनिकों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनके सैनिकों को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता था, और सभी भारतीयों को औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा भी थी, ठीक है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। तो भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेशों में काम करना था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि भाई ये बता दीजिए कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? ठीक है, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसके द्वारा किया गया था? ठीक है
बिल्कुल ठीक, जिहाद का प्रचार किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। और निवेदन है दोस्तों सभी लोगों से कि थोड़ा सा आप सेशन को लाइक किया करिए और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि इंक्रीज भी तो करना है ना, नंबर भी तो इंक्रीज करना है ना, तो निवेदन है कि थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं आपका उत्तर यहां पे देख पा रहा हूं, ठीक है। चलिए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? एक सेकेंड, इस प्रश्न में क्या है कि इस प्रश्न में कुछ गलतियां हो गई हैं, ठीक है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ठीक है, उस टाइम मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यहाँ पे ये होगा कि सभी भारतीयों को कि औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा थी। देखिए दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी 57, इसमें कोई राष्ट्रीय भावना बहुत नहीं थी, सभी लोग कलेक्ट नहीं थे, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी गई थी, वो केवल और केवल एक क्या था, वो एक विद्रोह था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबसे राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, सभी भारतीयों की औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा थी। नहीं भाई, जो सामंत थे, जो जमींदार थे, उनकी कोई इच्छा नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था, किसने किया था भैया? ऑप्शन नंबर डी होगा ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, जबरदस्ती मत बोलिए कि सर यही होगा, ए नहीं डी होगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसके द्वारा किया गया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, मौलवी अहमद उल्ला के द्वारा, सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? चलिए भैया कहाँ से आरंभ हुआ था, अच्छा सा प्रश्न है, बताइए सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? चलिए अच्छा सा प्रश्न है, बताइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, तो दोस्तों 29 मार्च 1857 में जो सिपाही विद्रोह किया गया था वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने चर्बी लगे कारतूस को खींचने से इनकार कर दिया, और ये कहाँ पे था दोस्तों? मेरठ में। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, मेरठ बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? चलिए भैया कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा? और देखिए दोस्तों सेशन को लाइव ज्वाइन किया करिए, ठीक है। जब तक सेशन को लाइव ज्वाइन नहीं करेंगे ना, तब तक आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिलेगा। शाम को 6 बजे सारे कार्य को छोड़ दीजिए, शाम को 6 बजे सेशन को लाइव ज्वाइन करिए। लाइव ज्वाइन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी डेवलप होंगी, ठीक है। ऑफलाइन का एक अपना अलग वो होता है, ऑनलाइन का, जैसे आप इस बात को एज्यूम करिए कि आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, आप अपना टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो इस भाव से क्या करिए कि सेशन को ज्वाइन किया करिए, प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे जरूर ज्वाइन करिए। चलिए कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये कानपुर की बात हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, डी होगा ना? बिल्कुल ठीक होगा। तो जितने लोग भी नाना साहब की बात बोल रहे हैं दोस्तों, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था? थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कि जो 1857 की क्रांति हुई उसमें लखनऊ से
किसने इस क्रांति का नेतृत्व किया था? चलिए कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? अच्छा सा प्रश्न है भाई, बताइए। बिल्कुल ठीक है, चलिए। कि निम्न में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति और प्रकृति क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? ठीक है, चलिए। तो क्या उत्तर होगा भैया, क्या उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ए के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, ए के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए के तरफ जा रहे हैं, ए के तरफ जा रहे हैं, ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, ए के तरफ कैसे होगा, बी होगा, बी होगा, बिल्कुल ठीक होगा कि यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रकृति और स्वरूप पर अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रकाश डालता है? तो यह एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और देखिए दोस्तों क्या है ना कि अब इतिहासों में बहुत मतभेद है, बहुत सारे इतिहास कार ये मानते हैं कि ये कोई राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ा गया था, ये क्या है, एक ये एक तरीके से एक केवल और केवल ये विद्रोह था, मतलब अपने असंतोष को प्रकट करने का एक क्या था, जरिया था। लेकिन वही बहुत सारे इतिहासकारों का ये भी मानना है कि यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि अंग्रेजों के विरुद्ध खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि ये बता दीजिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो खांसी विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो देखिए अंग्रेजों के विरुद्ध ये खासी विद्रोह की बात करें तो ये तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। और अंग्रेजों ने दोस्तों क्या कर दिया था कि इसको बहुत ही जल्दी क्या कर दिया था, दबा भी दिया था। इन्होंने विद्रोह किया था लेकिन इनके विद्रोह को बहुत ही जल्दी दबा दिया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का जो नेतृत्व किया गया था वो तीरथ सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह की बात नहीं हो रही है। ठीक है, बिरसा मुंडा मतलब कुछ इस प्रकार का आएगा तो मुंडे थोड़ी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का आएगा तो मुंडा थोड़ी हो जाएगी, बिरसा मुंडा की बात कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा कि ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? वही मैंने पूछा था, वही प्रश्न आ गया। चलिए भाई लखनऊ की बात करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ट्रिकी प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है, ट्रिकी प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हजरत महल सबको पता होता है, हजरत महल बार बार पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हजरत महल थी ना इन्हीं के ये पुत्र थे बिजरिस कादिर। ठीक है, तो बिजरिस कादिर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो वो बिरजिस कादिर थे। ठीक है, जो हजरत महल के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? अच्छा सा प्रश्न है, सैनिकों की पौधशाला कौन सा प्रदेश कहलाता था भारत में? ठीक है, ये अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, ठीक कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहलाता था? अच्छा सा प्रश्न है, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों जितने लोग भी यहाँ पे अवध की तरफ जा रहे हैं ना आप, बिल्कुल ठीक है,
क्योंकि क्या है ना कि सैनिकों की सबसे ज्यादा जो भर्ती हुआ करती थी उस टाइम वो हुआ करती थी दोस्तों अवध से ही। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आंग्ल भारतीय सेना में सबसे ज्यादा जो सैनिकों की भर्ती होती थी ना वो अवध क्षेत्र से ही होती थी, तो इसी कारण से अवध को सैनिकों की पौधशाला कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किया था। किसने किया था भैया, किसने ये बात कही थी, छोटी सी बात कही थी, अच्छी सी प्यारी सी बात कही थी कि मानव के लिए क्या होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए और एक ही परमेश्वर होना चाहिए। इस बात को किसने कहा था? चलिए, जाहिर सी बात है कि कोई समाज सुधारक ही होगा। ठीक है, कोई समाज सुधारक ही होगा जो इतनी अच्छी बात कह गया। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे लोग ये सोच लेंगे एग्जामिनेशन में कि यहाँ पे कास्ट की बात हो रही है, तो कास्ट सिज्म को हटाने में अंबेडकर साहब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन भैया एग्जामिनर जो है आपके साथ खेल गया। ठीक है, एग्जामिनर आपके साथ क्या कर दिया, खिलवाड़ कर दिया। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्री नारायण गुरु ने। ठीक है, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा ये बात कहा गया था, ये एक समाज सुधारक थे, इन्होंने कहा था कि भैया मानव के लिए एक ही धर्म होना चाहिए, एक ही जाति होनी चाहिए और एक ही परमेश्वर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि ये बताइए कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने प्रमुख योगदान दिया। ठीक है, मतलब क्या, अगर जो कोई औरत विधवा हो जाती है तो क्या करिए कि फिर से उसका विवाह करिए, इस संदर्भ में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहा है। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है, आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में, मतलब मैं ये चाहता हूं ना कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, कुछ ऐसा लगे ना कि आप पढ़ें भी और आपको ऐसा भी महसूस ना हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हंसते खेलते हुए जब आप लर्निंग करते हैं ना तो आपकी लर्निंग की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो देखिए, और एक बात ये भी है कि हंसते खेलते पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरी बात ये भी है कि कोई भी जो अच्छी चीज होती है ना इतनी आसानी से नहीं आती है, उसके लिए आपको लगातार परिश्रम करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी निराशाएं लगती हैं, कभी कभी लगता है कि यार नहीं मन कर रहा है, चाहे कभी कभी कुछ और भी दिमाग में भ्रांतियां चली आती हैं, उन सारी बातों को दरकिनार के करते हुए दोस्तों हार्ड वर्क करिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जिसने भी कठिन परिश्रम किया है ना सबको सफलता मिली है, तो आपको भी जरूर मिलेगी, बशर्ते ये है कि आप कठिन प्रयास करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स का क्लास इतना मस्त नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्या उत्तर होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री में मजा इसलिए आता होगा क्योंकि इसमें उस प्रकार के टर्म नहीं है, तटस्था वक्र, ठीक है, उपभोग फलन, मतलब वो सुनने में ही अटपटे लगते हैं, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे चीजें जो है वो इजी तरीके से हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा ये शानदार लगेगा उसकी अपेक्षा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था भाई, चलिए बताइए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित था। ठीक है, ठीक है, चलिए शारदा अधिनियम किससे संबंधित था, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो शारदा अधिनियम जो है दोस्तों ये बाल विवाह से क्या है दोस्तों, बाल विवाह से संबंधित है, और ये हरबिलास शारदा से संबंधित है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो बाल विवाह है वो निषेध होना चाहिए, मतलब क्या करिए, बाल विवाह मत करिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न इन्होंने कह दिया कि ये कितनी प्यारी सी बात इन्होंने कह दी कि जो हिंदू है और जो मुसलमान है वो क्या है। ठीक है, हिंदू और मुसलमान जो है भारत की दो आंखें हैं। ठीक है,
चलिए बताइए, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सर सैयद अहमद खां। एब्सोल्युटली राइट। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सर सैयद अहमद खां सभी लोग का उत्तर है दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? ठीक है, भारतीय दर्शन से वो प्रभावित नहीं था, वो जो पाश्चात्य दर्शन है उससे प्रभावित था। चलिए भैया कौन था, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है, ठीक है, पुनर्जागरण का अग्रदूत भारत का मसीहा कौन था भैया? पुनर्जागरण का अग्रदूत, बहुत ही सुधार किए थे इन्होंने, बहुत ही गलत रीति रिवाजों को इरिडिकेट करने में, खत्म करने में इनकी भूमिका रही। क्या नाम था उनका? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ना सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? ठीक है, पागलपंथी विद्रोह जो था वो वास्तव में किसका विद्रोह था? अच्छा सा प्रश्न है, चलिए भाई बताइए, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? और देखिए जितने लोग भी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, आप कल से शाम को 6 बजे जरूर ज्वाइन कर लिया करिएगा और ज्वाइन करिए सेशन को, और एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे अगर जो ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से लगेगा कि आप अपना इवेल्युएशन भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई कि पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर किसका आ रहा है, बी के तरफ आ रहा है, बी के तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पागलपंथी विद्रोह है दोस्तों, ये 1813 से 1831 के मध्य हुआ था और ये दोस्तों गारो का विद्रोह था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों क्या था, एक तरीके से किसानों का विद्रोह था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था? ठीक है, अब देखिए आपका फेवरेट प्रश्न आ गया, बचपन से कितनी बार पढ़ते आए होंगे कि बिरसा मुंडा ठीक है नेता था, किस विद्रोह का था भाई बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिरसा मुंडा की बात हो रही है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैं आपके कमेंट को देख पा रहा हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, है ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना, मुंडा विद्रोह, बिल्कुल ठीक है, ये तो सबको पता होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि राजा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी बताइए। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, छोटा सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकबर शाह आदित्य। ठीक है, अगर जो आप अकबर शाह आदित्य बोल रहे हैं तो एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे इनको जो राजा की उपाधि दी गई थी ये अकबर शाह आदित्य के द्वारा दिया गया था। तो इस बात को याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? ठीक है, आप सभी लोग को पता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, अब कब किया था उनका समय भी आपको बताना पड़ेगा। चलिए भाई बताइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था वो 1897 को किया था, और इसने अपना मठ कहाँ पे बनाया था, इन्होंने अपना मठ जो बनाया था
वो बेल्लोर नामक स्थान पे बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करिए, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए भैया, सूची वन को सूची टू के साथ आपको सुमेलित करना है। सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और शेयर तो जरूर किया करिए दोस्तों, ठीक है। तो ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म की बात हो रही है, केवल ब्रह्म की बात नहीं हो रहा है, इस बात को मत सोचिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर प्रश्न गलत हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें दोस्तों तो केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें दोस्तों तो आप सभी लोग को पता है कि कर्नल अलकाट ने किया था, और सत्य शोधक समाज की जो स्थापना किया था वो ज्योतिबा फुले ने किया था। तो ये तो इजी सी बात है, ठीक है। तो ऑप्शन तो कोई नहीं दिया गया, बट ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों कि मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि भाई ये बता दीजिए कि जो मोपला का विद्रोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। मोपला विद्रोह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मोपला विद्रोह के बारे में याद रखिएगा कि जो मोपला विद्रोह था ना, ये प्रारंभ में तो एक क्या था, ये राजनीतिक विद्रोह था, लेकिन बाद में चल करके क्या हुआ ना दोस्तों कि ये धार्मिक विद्रोह का एक तरीके से क्या हो गया, धार्मिक विद्रोह के रूप में ये परिवर्तित हो गया दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या था कि जो जमींदार होते थे ना वो हिंदू होते थे, जबकि जो किसान होते थे ना वो मुस्लिम होते थे। तो इस वजह से जमींदारों और किसानों में क्या हुआ, संघर्ष स्टार्ट हो गया। पहले तो ये राजनीतिक विषय था, लेकिन बाद में चल करके क्या हो गया, ये धार्मिक विषय बन गया, ठीक है। जमींदार हिंदू थे और किसान जो थे वो क्या थे, मुसलमान थे। तो इस वजह से बाद में चल करके धार्मिक भावना से ओतप्रोत यह विद्रोह हो गया। तो इससे भी क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारी हानि पहुंची समाज को। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल में। तो जितने लोग भी केरल की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा भाई कि वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया। अच्छा, 1931 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर कि 1931 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, ठीक है। तो 1931 में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो अधिनियम था दोस्तों भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला है कि भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, ठीक है। अब एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक कौन है, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन भैया पहली बार एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 1784 आपको पता होना चाहिए, 1784 को सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, कहाँ पे, कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पहली एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो सर विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में किया था। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब आगे दोस्तों कोई भी प्रश्न नहीं रहा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि ये 6 बजे से आपकी क्लास यूट्यूब पे चलती रहेगी प्रैक्टिस की, और एक जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रही है इतिहास की। यहाँ पे A to Z दोस्तों सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमिक्स से संबंधित सारे नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर जो हिस्ट्री, ठीक है, कभी अगर जो हिस्ट्री के जगह इकोनॉमिक्स निकल जाए या इकोनॉमिक्स के जगह हिस्ट्री निकल जाए तो थोड़ा सा क्षमा करिएगा, क्योंकि दोनों सेशन मैं ही करवाता हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाए जा रहे हैं।
और अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे दोस्तों, तो आप विश्वास मानिए कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, आने वाले 2-3 महीने में दोस्तों आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पाएंगे, बहुत अच्छी जगह पे पाएंगे, ठीक है। तो एडमिशन स्टार्ट है दोस्तों, कल से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कल से जो है वो आपकी पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पहली क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास के किसे कहते हैं, इतिहास के अन्य तत्वों को देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सिलेबस पे हम लोग आ जाएंगे, जिसके अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद एक क्रम से हम लोग क्या करते रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं आपके अब कमेंट को भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। चलिए उदय सिंह जी थैंक यू वेरी मच, अदिति जी थैंक यू वेरी मच, मीनू जी थैंक यू वेरी मच, निक्की खान जी थैंक यू वेरी मच, सोनी शर्मा जी थैंक यू वेरी मच, अदिति जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, रवि चौहान जी थैंक यू वेरी मच, मीनू यादव जी थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, 6 बजे जरूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।